नमस्कार जोहार, मैं राधा रमन। आज के डेट में सब काम की बात करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे बेकार की बात। हमारे साथ बैठे हैं दो लोग, एक है इंस्टाग्राम और अपना परिचय आप दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे आपका नाम बताइए। ममता कुमारी। हमारे साथ ममता कुमारी और प्रियंका कुमारी बैठी हुई है। प्रियंका कुमारी, आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पे कैसे फॉलोअर बढ़ाया जाए। क्या राज है जिसके लिए ममता कुमारी के 10,000 फॉलोअर? ममता बताइए। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ राज होता है, लेकिन हाँ, अच्छा कंटेंट डालने से, अच्छा वीडियोस डालने से फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जो पब्लिक पसंद करते हैं तो ऑलरेडी वो फॉलोअर्स बढ़ते ही हैं, बढ़ते हैं। आपके 10,000 फॉलोअर है, मगर आपकी एक वीडियो पे कितना व्यू आते हैं दर्शकों को ये बताइए। अभी तो फिलहाल 10,000 हो जाता है, और पहले तो मिलियनों पे गया है, बट अभी 10,000 अप्रोक्स जाता है। लाइक्स कितने आते हैं? 500 प्लस। बस इंस्टाग्राम एनालिटिक्स का माना जाता है कि अगर आपके 10,000 फॉलोअर है तो कम से कम आपका 5,000 लाइक्स जरूर होना चाहिए, तब आपका पेज एक अच्छा पेज कहलाता है। आपके 10,000 फॉलोअर है पर बस सिर्फ 5,000 लाइक, 500 लाइक, कैसा क्यों बताए दर्शक जानना चाहेंगे। 3,000 व्यूज में 500 अगर लाइक्स आता है तो कम नहीं है, और मेरा स्टार्टिंग रहा है, ये पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी फिलहाल स्टार्ट किए हैं कुछ दिन पहले। आपका कंटेंट क्या रहता है इंस्टाग्राम पे, फीड में क्या पोस्ट करते हैं, जिससे आप लोग आपको देखना पसंद करते हैं, ऐसे क्या है फीड में? डांस वीडियो पोस्ट करते हैं, डांस वीडियो और कुछ बहुत कॉमेडी। ये थी राज ममता कुमारी की 10,000 फॉलोअर का। अब हमारे साथ आई है प्रियंका। प्रियंका जी, आपका यूट्यूब चैनल है, कितने सब्सक्राइबर है आपके? मेरा सर मिलियन। कितना मिलियन है? मेरा अभी ज्यादा तो नहीं, हम बोलेंगे 1.5 में हम जा रहे हैं। आपका YouTube सफर कब से चालू किया था और 1 मिलियन तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? मेरा YouTube का सफर, मेरा ज्यादा दिन नहीं पर है, 2023 के जुलाई से मैं ये सफर स्टार्ट की थी। मुझे मैं बैठी हुई थी, मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मैंने कई ब्लॉगर्स को देखा कि वो YouTube से जुड़ रहे हैं और उनको एक अच्छा कमाई का जरिया भी ये मिल रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी ऐसी बैठी हुई हूँ घर पर, तो इस पर मैं काम करूँ। तो मैंने सबसे पहले YouTube ब्लॉगिंग, और फिर मैंने उसमें अटपटी चीजें डाली, जैसे मैं बैठी हूँ, रोटी तोड़ रही हूँ, एक रोटी इधर एक रोटी इधर, सब्जी काट रही हूँ, कद्दू काट रही हूँ, तो मैं अटपटी चीजें देखी और मैंने देखा पब्लिक इंटरेस्ट इन अटपटी चीजों में ज्यादा है। इसके साथ मतलब आपके ऐसे वाले लोग कई और हैं जो आपको देखना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने आप इन चीजों को आप देखे होंगे, इंस्टा आजकल ऑनलाइन में ज्यादा बेले लोगों को दो आपकी बात होगी, क्या क्या बताएंगे क्या बताइए? कुछ नहीं है, वाले लोग सब बैठे हुए हैं, लेकिन सुबह सुबह एक अपडेट जरूर देती। 1 मिलियन फॉलोअर, 10 लाख लोग आपके पास है, कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों के द्वारा, क्या बोलना मिला? देखिए कमेंट तो बहुत अजीब है, जब हम इतना चावल लेकर बैठते हैं, मतलब अगर मुझे कॉमेडी भी दिखाना और अटपटी चीजों को डालना है तो कमेंट तो बहुत सारा चीज आता है, इतना खाएगी लोगों का चिड़ भी दिखता है, प्यार भी नजर आता है। कई लोग उस पर ये कमेंट करते हैं कि मुझे आपका बहुत पसंद है, कई लोग प्रपोजल भी डाल देते हैं, आई लव यू, आप मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग, जो हमारे जितने भी हैं सब्सक्राइबर, जो हम लोग के जो दर्शक, हर तरह का कमेंट देते हैं तो अच्छा लगता है। एक और बात की आप जो कंटेंट बनाते हैं, कई और यूट्यूबर भी बनाते हैं, जो एक है चिकन लेग पीस नाम से, जो सिर्फ और सिर्फ चिकन खाने का चैलेंज लगाते हैं, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए एक साथ खाते हैं, क्या आप चाहेंगे कि उनके साथ ये कोलैबोरेशन हो, आता कि आप दोनों का रीच बढ़े, लोगों का फॉलोअर्स बढ़े? हम चाहेंगे कि जितने एकदम ये जिसका कंटेंट सबसे वर्स्ट हो हम उसके साथ करना चाहेंगे। ये तुम्हारे साथ प्रियंका कुमारी,
जो देखे कि बेहुदा तरीका से कैसे फॉलोअर बढ़ा जाए, बेकार बातें कैसे किया जाए। और ये इनकी गलती नहीं, गलती उन लोगों की जो देख रहे हैं, इतने बल्ले बैठे हुए हैं लोग। चलिए सभी होते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते रहिए, धन्यवाद।